नमस्कार इस वीडियो में बात करेंगे राज्य के प्लस टू विद्यालय में जो शिक्षकों की नियुक्ति होगी इस पर सब्जेक्ट वाइज कितने वैकेंसी सीट है इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे ठीक है सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे या आज के अखबार में अपडेट हुई है कि भौतिकी में सबसे अधिक और हिंदी में सबसे कम सीट ठीक है साथ ही प्लस टू स्कूलों में ग्यारह विषय में इकतीस सौ बीस शिक्षकों की होनी है नियुक्ति इसी के साथ आपका गणित और विज्ञान विषय में कुल तेरह सौ इकहत्तर शिक्षकों की होगी नियुक्ति यानी कि इन विषयों में सबसे अधिक वैकेंट सीट है ठीक है इसके बाद सब्जेक्ट वाइज जो भी वैकेंट सीट है इस पर बात कर लेते हैं आप देख पा रहे होंगे पदों की जानकारी दी गई है ठीक है इस पर देखिए विषय आपका इतिहास जो कि दो सौ तिलिस पोस्ट है इसी तरह आपका भूगोल में दो सौ अठारह पोस्ट है अस्त्र शास्त्र में आपका दो सौ बाईस पोस्ट है भौतिकी जो कि सबसे अधिक पोस्ट यही बताया गया है तीन सौ पंचानवे है ठीक है इसके बाद आपका रसायन शास्त्र जिस पर तीन सौ बयालीस है ठीक है इसके बाद बात करें तो जीव विज्ञान में आपका दो सौ है गणित में आपका तीन सौ है कॉमर्स में आपका दो सौ नवासी है इसी तरह अंग्रेजी में तीन सौ ग्यारह और हिंदी में दो सौ सत्रह और संस्कृत में आपका दो सौ उनचास है ठीक है तो कुल यहाँ ग्यारह विषयों पर आपका नियुक्ति किया जाएगा और इस पर आपका विषयवार रिक्त पदों की भी जानकारी दी गई है कि किस विषय में कितने रिक्त पद हैं ठीक है तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप जिस भी विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आप किस विषय में अप्लाई करने वाले हैं ठीक है तो यह चीज़ आप देख लिए कि विषयवार रिक्त पद कितने हैं इसके बाद आपका यहाँ पर डिटेल में यही चीज़ दिया गया है हालांकि जो आपका नियुक्ति होगा इसके लिए अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जे को भेज दिया गया है ठीक है कुछ ही दिन में इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो सकता है ऐसा संभावना जताई जा रही है ठीक है बाकी इससे कुछ भी अपडेट निकल के आएगी तो आप सभी के साथ शेयर कर दूंगा ठीक है ये जानकारी आपको मिल गई इसके बाद हाई स्कूल में जो नियुक्ति होगी इस पर भी बात कर लेते हैं तो देखिए हाई स्कूलों में नियुक्ति विधि विभाग की राय लेने के बाद यानी कि हाई स्कूल में जो शिक्षक नियुक्ति की जाएगी वो विधि विभाग से राय लेने के बाद की जाएगी जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि पिछला जो हाई स्कूल नियुक्ति हुई थी वह अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और इस कारण से विधि विभाग से राय ली जा रही है कि नई नियुक्ति हाई स्कूलों में करानी है या नहीं करानी है इसके बाद जो भी राय होगा इसके बाद झारखंड में स्कूलों को पर भी नियुक्ति देखने को मिल सकती है ठीक है तो ये अपडेट निकल के आ रही थी आप सभी को कैसा लगा ये अपडेट आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेल दिन देखकर बाय बाय